प्रिंसटन, हॉवर्ड एंड ब्राउन। मैं गेस कर सकता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे मतलब डैड और आई विलिक। मैं ऐसे जगह नहीं जाना चाहता जहाँ लोग कहे कि प्रेसिडेंट का बेटा आ गया, इसीलिए मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ आम लोग हैं, तुम जैसे लोग। एक मिनट, मैं अभी आया। हे एलिजा, अरे रुको जरा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं बात कर रहा था उनसे और तुम निकल गई। तुम बिल्कुल भी यहाँ रहना नहीं चाहते आम लोगों के साथ। मैं जो कह रहा था इसके मतलब तुम समझी नहीं। तुम इतना भी नहीं बदले एंड्रू। यस एलिजा, ओ माय गॉड, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये अभी भी चल रहा है। मुझसे कौन नफरत करने लगा है? जरा अपना कंप्यूटर ऑन करो। मैं बिजी हूँ। क्यों? सीलिया, मैंने कहा कंप्यूटर ऑन करो। ये कोई जोक है क्या? नहीं, मैंने 3 बार चेक किया और सिग्नल सोलर से बाहर है। हमें सिग्नल 2 जगह से मिल रहे हैं और मुझे लगता है सिग्नल कुछ रिसीव कर रहा है और उसे ऊपर भेज रहा है। सब कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब है कि कुछ है? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तीखी चीज है तुम्हारी बगल में। देखो, मैं मूस राइट तक जा रहा हूँ और तुम सिलिया संभल के, मैं भी मूस राइट निकलता हूँ। कम ऑन, जल्दी चलते हैं। कम ऑन, साथ में जाओ। फोटो की तरह जगह बहुत अच्छी है। या इस साल तो शाम यहाँ आएंगे ना? हाँ, 3 साल से रनिंग करता आ रहा हूँ, अभी बंद कर दिया है। अरे छोड़ो यार, इतनी बड़ी दुनिया को चुरा रहा तुम्हारा भाई। जिसके बारे में सोचा उसी का फोन है, बाद में मिलता। अच्छा, हाय। हेलो, मैं व्हाइट हाउस से ऑपरेटर बात कर रही हूँ। US प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। रुबेकर, मिलिट्री के खर्चे दुगने हो गए हैं मेरे हिसाब से। फ्रैंकली, मैं वीपी के साथ 4th of July को डिफेंस डिबेट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। आपको बात समझ आ रही है? दादा से कहता हूँ, मैं वाशिंगटन पहुँच चुका था जब आप कॉलेज में मजे लिया करते थे। आदर से देखो साहब, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मेरी जगह पे नहीं हो। वही तो बात है। रुको, आपको US प्रेसिडेंट से बात करने के लिए कनेक्ट किया गया है। पहचानो कौन? हाँ, तो तुमने कनाडा को अनेक्स करने की सोची और मेट्रिक सिस्टम बंद कर दिया? हाँ ठीक है, मैं अपने शहर की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाँ, जब देखूंगा तो भरोसा कर लूंगा। मेरा बेटा कुछ परेशान कर रहा है? हाँ बिल्कुल। हेलो, कैसे हो? मिलके खुशी हुई। इरादा पक्का है, मैं जो कह रहा हूँ उस पे नजर रखो, मुझे भागना है। ठीक है, उसके लिए सीक्रेट सर्विस है सैम, मैं बच्चों की तरह नहीं बैठा। कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, थैंक यू। मार लग रहे हो? हे, हाय अंकल पेटी, याद आए बेटी? तुम हमेशा आगे बैठ के चलाना पसंद करती। याद आया जब मैं 6 साल का था। हाँ बिल्कुल, तू बड़ा आदमी हो गया। बहुत स्मार्ट हो गया। निक कहाँ है? निक मिलर, किस लिए पूछ रहे हो? लॉटरी निकाली गई थी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, ये जीत गया। रुक, देखो आ गया बेटी। वाह, हमेशा लकी होना चाहिए ना किस्मत। अब किसकी बारी है बोलो? चलता हूँ। ठीक है, चलते हैं। लगता है बहुत लंबा दिन जाएगा। प्रेसिडेंट से मिलने वाले और ये पहना हुआ है, क्या हुआ? देशभक्ति है? वो देखो, वो आ रहे।
खोआ ही रहे हैं। अरे देखो वो कहीं और जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट ये क्या हो रहा है? हमें डिक्सन एयरबेस की तरफ घुमाया गया है। क्यों, किस लिए? पर ये क्या है? यहीं रुको। रुको, तुम कहां चल दिए? तुम लोग सीक्रेट से उसके साथ रहो, घबराना मत। और अब क्या होगा? रहना, सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा काम नहीं है, चुपचाप गाड़ी में बैठो। ए, तुम कर क्या रहे हो? मैं लेके जा रहा हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ अपने साथ ले जाओ। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुनो, वो बच्चे हैं। सुन, देखो तुम्हें ना अपने पास रखो, मुझे शहर जाना है। और तुम मुझे कह रहे हो कि इन्हें बीच रास्ते में छोड़ के जाना होगा। चलो कार में बैठो। सैम, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। मैं देख रहा हूँ कुछ अजीब सी चीजें नीचे की तरफ जा रही है। वो क्या है मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आसमान से आ रहे हैं। तुमने उनको देखा? उस तरफ। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जनरल मोर हूँ, आप ठीक तो हैं ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई सर? नहीं, मैं ठीक हूँ। जनरल ये सब क्या हो रहा है? सर, नोराड अजीब से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस कर रहा है, 9 अलग अलग लोकेशन अमेरिकन स्पेस में। सुनो, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ। वो कोई शिप जैसा लगता है, अनजान जगहों से बस हमारा रडार दिखा रहा है। ये कैसे मुमकिन है सर? हम लोगों ने 17 अलग अलग लोकेशन से ट्रेस किया है पूरे अमेरिका से, और सुना है कि दर्जन और है यूरोप में, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, आप हमारे साथियों से बात करो और पता करो कि ये सब कहां से आ रहे हैं। यस सर। जनरल, क्या हमारे पर हमला हुआ है? सर, मैं सिफारिश करूंगा कि विमानों को एयरफोर्स से उड़ाएं और DEFC ले जाएं। करो। मेरे बेटे की खबर देते रहो। यस सर। मेरा किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क शायद डाउन होगा। मेरे डैड कहाँ हैं? प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक है, तुम उनके पास पहुंच जाओगे। वैसे वो था क्या? रशियंस, वो बहुत दिन से अंडरग्राउंड से सिंगल फाइटर को डेवलप कर रहे थे। वो रशियन नहीं है। तुम्हें कैसे पता? वैसे मैंने सुना है कि उनकी सीक्रेट फैक्ट्री थी साइबेरिया में, गूगल से पता चला। हम लोग एयरबेस पे क्यों जा रहे हैं? वहाँ हमारी सुरक्षा हो सकती है, उसके बाद हम कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। मेरे परिवार का क्या होगा? अगर वो प्रोटोकॉल को अपनाएंगे तो नेशनल गार्ड को बुलाएंगे। ये तो बहुत भयानक है, डरावना है। तुमने कुछ देखा क्या? पता नहीं कहां से आ रहे हैं, पूरी तरह से हमला हो गया है। मेरी बात सुनिए, अपनी गाड़ी में बैठो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है ये सब। तब जो मर्जी करो, I'm sorry, लेकिन मूजरेज खतरे में है। क्या कर रही हो तुम? मूजरेज, मुझे वहीं पर जाना है और मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिटी के लिए काम करती हूँ, वो एक एजेंसी है जो अलग से काम करती है। मैं जानता हूँ सिटी क्या है। मैं इस प्लेनेट से परे एक जिंदगी चाहती हूँ, इतना काफी है ना कहना। सुनिए मैडम, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसी बात है तो मेरे ऊपर से गाड़ी चलाओ। तुम्हें पता है यहाँ क्या होने वाला है? चलो मेरे साथ।
ग्रेट, मेरी मदद करो सामान लाने में। जरा इसे देखे सर। सर वो हर जगह पर हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है। का पता नहीं, बहुत ही एडवांस डिजाइन के हैं। हमारी इंटेलिजेंट सोर्सेस से पता चला है कि वो जमीन के अंदर से निकल रहे हैं। मुझे लगता है ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये कौन कर सकता है? वैसे आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, इसके आसपास की भी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यही कहना चाहते हो ना मुझसे जनरल? मैंने महसूस किया है उस साउंड को सर, मगर हमारे सारे विकल्प एलिमिनेट हो गए हैं। और उसका सीधा सा जवाब है, इसको एयरबॉर्न कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा घुमाया जा रहा है, और ये बड़ी मशीन है जो कोऑर्डिनेट कर रही है। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, हेलीकॉप्टर रेडी है टेक ऑफ के लिए। चारों तरफ से ऑपरेशन चल रहा है सैम, जल्द से जल्द हम माउंट वर्मेटन पहुंचने वाले हैं। गुड जनरल, मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कहां से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। समझ गए। मैं पीट कैसेट बोल रहा हूं, कोई मुझे सुन रहा है? हेलो, ये बाधा कर सकता है उन जहाजों को। वो क्या है? आश्चर्य है, जानते हो वहां मेरा घर था। जाके देखता हूँ, शायद कोई बचा हो। पीट, वहाँ कोई नहीं बचा होगा। मैं नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। वो यहाँ दोस्ती करने नहीं आए हैं। मैं तो समझता था कि एलियन से सब प्यार करते हैं। मैं इस महीने सेटी की मुलाजिम नहीं हूँ, मैं वैन के बाहर काम करती हूँ। ड्रिल कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम पे हमला हुआ है। कहां से, क्यों? मुझे पूरी खबर दो, उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है। ऐसे उल्टे सीधे आक्रमण नहीं। नहीं, कोई नहीं। मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी उस शिप से नहीं उलझेगा। सैम, तुम गलती कर रहे हो। सुनो, तुम क्या कर रही हो? जाके ट्रक में बैठो। वो क्या है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है। देखो यार, खतरा है, चलो चलो। विक्टर जनरल, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से बाहर निकालो। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ है, सब लोग होशियार। रुको जरा, वो क्या बोल रहे हैं? हमें होशियार रहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है बचना, लेकिन मैं पूरे देशवासियों को जल्दी। नहीं, मुझे देख रहा है। हमें निकलना होगा यहाँ से। ग्रीन बोर्ड, जल्दी उठो। ग्रीन बोर्ड, पीट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीट, सब खत्म हो गया है, बहुत बुरी तरह अटैक हुआ है, वो देखा उधर। चलो चलो भागते। पीछे हटो, पीछे हटो। मैं तो गाड़ी से जा रहा हूँ। जल्दी उठो। रुको, मुझे लेना है। अरे कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो।
जल्दी करो, जल्दी करो। ओके सर। सर, हमें मेडे मिला है प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर से। वो नीचे जा रहा था। बोल रहा हूँ मूज रिट से, कोई सुन सकता है मुझे? दोबारा कह रहा हूँ, मैं पीट कैरसेट बोल रहा हूँ, क्या कोई सुन सकता है मुझे? मुझे लगता है सब ठीक है। क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? हेलो हेलो, मैं पीट गार्सेट बोल रहा हूँ मूर स्रित से, क्या कोई सुन सकता है? पीट, पीट गार्सेट मूर स्रित से, क्या कोई सुन सकता है? पीट, मैं पीट गार्सेट, पीट, क्या है? मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरी जान बचाने के लिए। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी फ्रेंड की डेथ हो गई, सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम कह रही थी कि जो हो रहा है उसके बारे में जानती हो, वो सब क्या था? आज सुबह हमने एक सिग्नल देखा था और एक फोन ऑन बर्स्ट हुआ और वही छोड़ा था इन मशीनों को। क्या कहा तुमने? फोन ऑन। देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने एक सिग्नल देखा था और वो सिग्नल कोई ऐसा वैसा साउंड नहीं था, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं ऊपर से आया था और उसे पता लगाने के लिए ही मैं आई थी और वैन खराब हो गई। सिग्नल, इतना ही जानती है ना तुम? वैसे और है बताने के लिए? देखो आई एम सॉरी, मेरे पास सारे आंसर्स नहीं है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? डिक्सन एयरबेस, वहीं पे बच्चे फंसे हुए हैं, साथ चल रही हो? मर गया? नहीं निक, निक मैं अभी आया। अच्छा हुआ तुम मिल गए। और कोई है? कोई बचा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं बचा, सिर्फ हम लोग। उठो निक। मैं मानता हूँ कि वो रशियंस नहीं थे। हमें तुरंत एयरबेस पहुंचना है और इसको अभी तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। तब तक तुम ठीक हो ना? एंड्रो और तुम्हारे पिताजी? तुम उनकी फिक्र छोड़ दो, पहले इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वॉशिंगटन, लंदन, बीजिंग, पेरिस, सब गया, किसी तरह हम बचे हुए। और कम्युनिकेशन? हमारा एक पैच वर्क है जो मिलिट्री से हमें जोड़े हुए है, लेकिन हमारा बाकी मुल्कों से कांटेक्ट खत्म हो गया है। This is out किसे किया? जनरल मोर वहाँ ठीक टाइम पर पहुँच गए थे और उन्होंने कंट्रोल लेकर इमरजेंसी ऑपरेशन संभाला, और हाउस मेजोरिटी लीडर ने भी, और बाकी कैबिनेट के लोग मिसिंग हैं। और प्रेसिडेंट? कुछ पता नहीं सर, प्रेसिडेंट के मे डे के बाद हमें कुछ खबर नहीं है सर। ढूंढते रहो, उन लोगों ने सिंगल स्ट्रोक से हमें तबाह कर दिया। हमारी सैटेलाइट्स ने उन वेव्स को पकड़ा जो अंदर की तरफ आ रहे थे और वही सिग्नल ऊपर भी जा रहे थे। हो सकता है कि वो सिग्नल स्पेस के अंदर से आ रहे हो, तो हो सकता है वो उनका पीछा कर रहे हो। तो क्या हुआ? हो सकता है एलियंस यहाँ आसपास हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? इंसान जो है आधुनिक वर्ग में है, इसलिए हो सकता है वो मवेशियों के लिए आए हों। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं नहीं जानता। तुम अटलांटिक के बीच में जाकर उन पर हमला करो। मैं चाहता हूँ कि हमारी हर मिसाइल उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। तो फिर आगे? नहीं सर,
ट्रांसपॉन्डर तक नहीं। हम इंतजार नहीं कर सकते, मुझे देश को संबोधित करना है और जनता को पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ। यस सर। माफ करना सर। वो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उनके साथ ही तो थे। पता नहीं बच्चे शायद पैदल घूम रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि बच्चे सीक्रेट सर्विस की निगरानी में हैं? मेरा भतीजा एंड्रयू। तुम वही गैरसेट हो जो हमारे प्रेसिडेंट गैरसेट हैं? हाँ, वो मेरे भाई हैं। एयरबेस उस तरफ है, शायद वो लोग वहीं गए होंगे। कम ऑन। शायद ये मेरा असली रूप हो सकता है। मुझे एलियंस ने चोट पहुंचाई होगी। निक, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा कि मुझे सुपर पावर्स आ गई हैं और मैं उस वाइस रिपोर्टर से लव करने लगा। तुम ठीक तो हो ना? निक, इतनी गर्मी नहीं लग रही है? भगवान, इतना बुरा भी नहीं है जितना दिखता है। सांस लो। लीजिए अपना स्कार्फ देना। तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं हुआ। लंबी सांस लो। एंड्रयू, रुको मैं आता हूं। मुझे देखो। रुको रुको, वो लोग वहां पर हैं। पीट, तुम ठीक हो ना बेटे? हाँ, अच्छा। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। निक को बहुत बुरी तरह चोट लगी है। सुनो, मेरी गाड़ी के पीछे किट होगा, ले आओ। हे निक, तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लंबी सांस ला। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं फर्स्ट एड कर दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। बस बस, जल्दी ठीक हो जाएगा। हम जब कार में आ रहे थे तो सीक्रेट सर्विस की बातें हमने सुनी। वो कह रहे थे कि डैडी का हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। एंड्रयू, मेरी बात सुनो। तुम्हारे डैडी के पास दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं, ठीक है? अगर कोई बचा सकता उन्हें तो सिर्फ वही पायलट्स। मिस्टर गैरसेट, मूस रिज में क्या हुआ है? सब बर्बाद हो गया स्वीरी। I'm sorry, मुझे माफ करना। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ठीक है? चलो उठो, चलते हैं।
संभल के। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ हाँ। एलिजा, स्वीरी, कम ऑन, जल्दी आओ, निकलना है। तुम ठीक हो? वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। तुम फील मत करो। एलिजा, मैं हूँ ना। अब देर मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हे, हे, अब तुम किस सोच में पड़ गए? चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हम तुम्हारे डैड को ढूंढेंगे, प्रॉमिस। लेकिन सबसे पहले हमें इस खतरे से बाहर निकलना है। चलो चलते हैं। हमें पहले निको हॉस्पिटल पहुंचाना है और बेस पे चलते हैं। ओके, आओ चलो। सर्च टीम बेस पर वापस आ गई है, वो सब अलर्ट है। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे साथियों का क्या हुआ? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिसिंग है, फ्रांस के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, बाकी सब कंट्री हेल्प के लिए इधर उधर दौड़ रही है। उनकी फीलिंग जानता हूँ। इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए तैयारी करो और मुझे तुरंत बताओ कि लोगों को कब संबोधित करना है। यस सर। मिस पियर्स, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। तुमने प्रेसिडेंट की सर्च टीम को वापस क्यों बुला लिया? हमारे रिसोर्सेज बहुत कम थे, हमें पता भी नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे। बेवजह बेकार के कामों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जनरल, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। आपने भी मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। मिस पियर्स, जनरल, उन्होंने कस्बों पर हमला किया, शहरों पर हमला किया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अंटार्कटिका को भी नहीं छोड़ा। नमूना क्या है? जनता पर ही नहीं, मिलिट्री बेस पर भी। जैसे कि वो चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी को वो खत्म कर दें, नामो निशान मिटा दें। वहां से कोई कम्युनिकेशन? ऐसा कुछ नहीं जो हम डिटेक्ट कर सकें, लेफ्टिनेंट। हे भगवान, वो सब जगह हैं। कुछ भी हो, दुनिया भर में हंगामा करना चाहते हैं। हमारी फोर्सेस को पोजीशन लेने में कितनी देर लगेगी? थोड़े समय में। प्रेसिडेंट के ऑर्डर है कि उनसे ना उलझा जाए। अगर हमने इंतजार किया तो उन्हें रोकने का मौका नहीं मिलेगा। अटैक की तैयारी करो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। कोई है यहाँ पर? हेलो, कौन है वहाँ? क्या जरा आप दरवाजा खोलेंगे? एलियंस को रोकने के लिए हमने दरवाजा बंद किया हुआ है। मेरा हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया, मुझे तुम्हारी फोन की जरूरत है। आप प्रेसिडेंट हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा फोन यूज करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मिस्टर प्रेसिडेंट सर, आइए अंदर आइए। थैंक यू। आप बैठिए, मैं कुछ लाऊं क्या? मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारा सिर्फ फोन चाहिए। माफ कीजिएगा, ये जगह थोड़ी खराब है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरे पेरेंट्स ऑरलैंडो में हैं, वहाँ अभी तक अटैक नहीं हुआ है लगता है, भगवान की दया से। पावर चला गया है लेकिन जनरेटर से काम चल रहा है। इसको जरा मेरी तरफ घुमाओगे? दरअसल ये हमला हम पर आउटर स्पेस से हुआ है। इसका खतरा सिर्फ हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को है, और कहा जाए तो एंटायर यूनिवर्स को, क्योंकि अब मैं तुम्हारा नया कमांडर इन चीफ हूँ। इसलिए मैंने पूरी मिलिट्री को इस काम में लगा दिया। ये एलियंस और उनकी मशीनरी सब कुछ तबाह कर रही है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग शांत रहे और अपने घरों में रहे। मुझे उम्मीद है कि इस गुत्थी को सुलझा देंगे। गॉड ब्लेस अमेरिका। मैं तो समझा आप है कमांडर इन चीफ।
हाँ मैं बिल्कुल हूँ। सेक्टर 2 फॉर्मेशन होने पे है। ये काम नहीं कर रहा है। सिविलियन ट्रैफिक जो है वो बंद सा हो गया है कॉन्टिनेंटल हब की वजह से, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया है, इतना सब कुछ डैमेज हो गया है, इसलिए बहुत मुश्किल है कनेक्ट करना। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तुम कह रहे थे तुम ब्लॉक कर रहे थे, तो तुम ऑनलाइन कैसे हो? मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आइए कम ऑन कम ऑन कम ऑन। स्वागत है मेरे किंगडम में। मेरे पास है सैटेलाइट, फाइबर, 3G, 4G, सब कुछ है। ये सब मैंने अपने लिए डिजाइन किया है मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कई बार ये काम करते हैं कई बार नहीं करते हैं, सब अपना ही तो है। अच्छा मुझे व्हाइट हाउस से कांटेक्ट कराओ। ओ ठीक है, वैसे वाशिंगटन DC सब बर्बाद हो गया है, व्हाइट हाउस नाम की कोई जगह नहीं बची है। मैं समझता था कि आपको पता होगा। ठीक है, तो मुझे नजदीक के मिलिट्री बेस से कनेक्ट कराओ, मैं उनके थ्रू रिकनेक्ट करूंगा और कमांड संभालूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कई चीजें खराब हो गई हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा क्योंकि वहां पे बहुत फायर हो गया था। वैसे मैं उन लोगों को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि पेंटागन की सिक्योरिटी अभी तक बची हुई है। क्या मतलब? मैं कोशिश करता हूँ वहां पहुंचाने की, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल भी है। शायद ना हो, एलियंस ने हमारी पृथ्वी पर हमला किया टूर। तो मुबारकबाद। सो थम्स अप। ठीक है ओके। हाँ यस ओके। हाँ ओके ओके प्रेसिडेंट, मुझे थोड़ा बैकअप चाहिए। ओके अगर वो शिप्स वापस आ गए तो हमें अपने आप को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे तुम अपने इस डिवाइस के बारे में कुछ बताओ, क्या है ये? ये वही फोन ऑन ईमीटर है जो डिवाइस एलियंस यूज कर रहे हैं। ये एक फोटोन है जिस तरह की लाइट होती है। दोस्त इसको फ्लैशलाइट भी कहते हैं। ये फोन ऑन है, नॉट फोटोन। क्वांटिटीज का नोटेशन है एटॉमिक वाइब्रेशन के लिए। क्या हुआ? मुझे फिजिक्स पसंद है। जैसे स्पीकर के बगल में एक हैवी मेटल कॉन्सर्ट रहता है, उसका सिर्फ साउंड ही नहीं पूरा वाइब्रेशन रहता है जैसे हमारी बॉडी में रहता है। फोनॉन्स वही वाइब्रेशन है। इससे बेहतर नहीं बता सकी। तो इसकी आवाज कितनी तेज हो सकती है? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये स्पीकर्स होते हैं जो कॉन्सर्ट्स में यूज होते हैं जिसे बहरे हो जाते हैं। तो क्या एलियंस के साथ भी ऐसे कुछ होगा जो हमें असर करेगा? हो सकता है। वो है क्या? ये तो अच्छे लोग हैं। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हमें पता नहीं है कि इन एलियंस का इरादा क्या है। सर जैसा आप ऑर्डर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे प्रेसिडेंट। मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमला शुरू करो। हम बिल्कुल तैयार हैं सर। सभी टीम लीडर्स काम पे लग जाओ। हमारे सामने विजुअल है, टारगेट करने जा रहे हैं। रोजर 225 सामने आ रहा है। रोजर 225 मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी है सर।
परेशानी हो रही है। हमें हादसे वाली जगह पर टीम भेजनी पड़ेगी असलियत का पता करने के लिए। तुरंत करो, हमसे टकराने के लिए गलत समय चुना उन्होंने। यस सर, 316 के आसपास आ रहे हैं सर। उन्होंने कुछ तो खत्म किए। वहाँ से बाहर करो उन्हें। यस सर। ब्रूबेकर। एजेक्टिंग। एजेक्टिंग। एजेक्ट करो। सब यूनिट ब्रेक ऑफ। दोबारा कहता हूँ, सब यूनिट ब्रेक ऑफ। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे ये सारी समस्याएं खत्म हैं। एक तिहाई भाग से हमारे फाइटर्स 10% ही रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। सबको मिलाओ एक और आक्रमण के लिए। क्या कह रहे हो? अगर हम लोगों ने कुछ को भी मार गिराया तो मैं दावे से कह सकता कि उन्हें दर्द महसूस होगा। उन्हें किसी तरह वापस भेजना है। किससे करोगे और कितने स्क्वाड्रन हमें खोने पड़ेंगे? दर्जन से ज्यादा तो हम खो चुके हैं। सैम ठीक कहते थे, हमें और इंटेल चाहिए। हाँ, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? काम शुरू करो, आक्रमण चाहता हूँ मैं। मैं तो उनको थोड़ा नुकसान करना चाहता था, लेकिन ये तो बहुत हो गया। मैं अब क्या कह सकती हूँ, साइंस है। वो क्या है, रेस्क्यू मिशन? उन्होंने हमें देखा तक नहीं है। चलो चलो देखते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं, हमें बेस की तरफ जाना होगा। हमारे पास अब हथियार है, मिलिट्री को इस बारे में खबर करनी होगी। चलो जल्दी आओ। सब कुछ कहाँ ले जा रहे हैं? Yes. उन्हें स्क्रीन पर दिखाओ। वो क्या है? चांद के पीछे से बाहर आया है, जमीन की तरफ जा रहा है। 12 मील लंबा है। 12 मील? औजार क्या है पता नहीं, डिफेंस सिस्टम क्या है पता नहीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि ये सब पूरा का पूरा खत्म कर सके। मैं बस टारगेट चाहता हूं।
ये तुम्हें कहाँ से मिला? सेल फोन फुटेज है, किसी ने अपलोड की थी। डैम इट, मैंने उनसे कहा था ये सब नहीं करने के लिए। तुमने कहा था तुम मेरे लोगों से कॉन्टेक्ट करवाओगे, अब कुछ हो सकता है क्या? बाहर बहुत हंगामा हुआ पड़ा है, सब कुछ बंद है या खराब हो गया है। तोड़। सेनापति आ गई है। तोड़। आराम से, अंदर एक वीआईपी है। हाय, मैं प्रेसिडेंट सैम गॉर्सेट, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दुनिया को बचाने। ओके, ग्रेट, गुड, थैंक यू। यहां कोई है? सब लोग पीछे आ जाओ, चलो। आराम से, निक, तुम ठीक हो ना? तुम निक के साथ रहो और इसे संभालना, और तुम लोग कार के पास रहो, और मेरे साथ अंदर चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एंड्रयू, जल्दी आओ। हेलो, हेलो, कोई मेरी बात सुन रहा है? यहाँ कोई है? वो जल्द में भागे होंगे। तुमने कुछ सुना? हे 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 निक, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ देखते हैं। देखते हैं, इसमें देखते हैं कोई दर्द की दवाई मिल जाए। हेलो, हेलो, ये वॉइस कहां से आ रही है? कुछ परेशानी हो सकती है हमको। यस, हेलो, ये दूसरे बेस से लोग बात कर रहे हैं। यस, हम लोग पहुंच रहे हैं। यस, किसी भी तरह टारगेट के लिए तैयार हैं हम लोग। यस सर। हेलो, हेलो, तुम दावे से कह सकती हो कि वो सब कुछ जानती है? हाँ सर, मुझे याद है सर, इससे पहले भी एक दो बार प्रेशर आ चुका है और ये संभाल लेती है सर, आप चिंता मत कीजिए। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ टॉड। सर ये बहुत बड़ी जीनियस है सर, मैंने इससे बढ़िया किसी को नहीं देखा। हो गया काम। सर मैं बड़ी रेस्पेक्टफुली आपको कह रहा हूँ, मुझे इनकी कैपेबिलिटी का बिल्कुल पता नहीं है। तो फिर हम पता करेंगे, एक ही ऑप्शन नहीं चाहते कि हम खाली बैठे रहे, बात समझ में? यस सर। तो फिर आक्रमण की तैयारी करो, मैं चाहता हूँ कि इस बार न्यूक्लियर हमला करे उस मदरशिप पर। वो क्या है? ग्रीटिंग्स, हेलो। कौन है जो बीच में परेशान कर रहा है? मेरे एक जानकार आपसे बात करना चाहते हैं, तुम बताती क्यों नहीं? कौन? सैम, पूरा खत्म कर सके प्रेसिडेंट। सैम, हे भगवान, मिल गए। मुझे तुम लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तक की जानकारी दोगे मुझे? हम शायद तह तक पहुंच चुके हैं, एक अजीब सा ऑब्जेक्टिव आया है चांद के पीछे से। एक्सलेंट, मुझे उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताओगे और वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अभी तक पता नहीं चला है सर, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। हमला बढ़ता ही जा रहा है और हम पर हथौड़े पड़ रहे हैं। इन एलियंस के पास एडवांटेज जरूर है, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है, हमें उनकी वीकनेस पता करनी होगी। हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट। देखो एलाइजा, कैसा लग रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अजीब लग रहा है। वो क्या था? छत पर कुछ हुआ है। सीलिया रुको। ओ, सीलिया।
इंतजाम ये हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है कि पता करने के लिए ये क्या चीज है। और एक खास बात, हमारे मिलिट्री के पास ऐसे हमले को लेने की ताकत नहीं है। मुझे हकीकत जाननी है। मैं हवा में उड़ना नहीं चाहता बल्कि इन हमलावरों को जानना चाहता हूँ। हमारे पास बस एक ही चांस है। सैम, समय निकलता जा रहा है। मैं लोगों की जान का खतरा मोल नहीं ले सकता। सैम, सुनो मेरी बात। क्या हो रहा है? मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं। मेरा बेटा, क्या वो सुरक्षित है? हम उनकी तलाश में लगे हुए हैं सर। सुनो, हम लोग न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं एलियन की मदरशिप पर, वो भी तुरंत इसी समय। नहीं, मत करो। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करो। जब तक कुछ खबर न मिल जाए रिस्क मत लो। मैं देश को खतरे में नहीं डाल सकता। हमें इमीडिएटली लॉन्च करना होगा। तुम्हें कोई फिक्र है सैम? नहीं, कुछ मत करो। सैम, ब्रूबेकर, क्या वो कहाँ चला गया? एक और सर्वर डाउन हो गया है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। मुश्किल लग रहा है। इधर हटो। वो जितने होल्स पृथ्वी पर करते जाएंगे उतना नेटवर्क खराब होता जाएगा। नहीं, उनसे दोबारा कांटेक्ट करो। चलो, अभी जहाँ से सिग्नल आया उसको ट्रेस करो। मुझे उनसे बात करनी है। अगर तुरंत फायदा नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। अभी तो उन्होंने ठीक से ऑर्डर दिए हैं तुम्हें। वो अभी कहीं बीच में फंसा हुआ है, कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा और समय भी निकलता जा रहा है, इसलिए उसके लिए कमांड देना मुश्किल है। और वैसे भी वो कमांडर इन चीफ नहीं रहे। लॉन्च की तैयारी करो। लगता उन्होंने पूरी तरह से बिछाया था डोरमेंट और इंतजार में। और जैसे उन्होंने बीज बोए हो प्लैनेट में और इंतजार कर रहे हो कॉलोनी आएगी यहाँ। उन्होंने सिग्नल दिए और सबको उठाया और उसके बाद ये आशा। नहीं, ये तो एक पूरी जंग है। नहीं, ये जंग नहीं है, जड़ से निकला हुआ है। ये अकेला है, अब हमारा चांस है। वो एमिटर लेकर आओ। वो चार्जिंग में लगाया हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकर आओ। लेकिन उसमें पावर कम है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस इसे लेकर आओ। तुम सीरियस हो? देखो, सुनो, मैं वहां जाके कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो मेरे रेंज में आएगा तुम इसे ब्लास्ट करना उस झाड़ी के पीछे से। ओके, कम ऑन, चलो संभल के चलो। इसे रखो, तुम बिल्कुल पसंद करोगे। रख लो। डेफिनेटली आज फायरवर्क होगा। हमको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। होशियार रहना। हाँ, समझ गया। ठीक है, पीछे हटो, वो आ रहा है। कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी चलो। आईपी एड्रेस मिल गया, इसे नया सर्वर काम कर जाएगा। मैं गांव में नेटवर्क ट्राई कर रही हूं प्रॉक्सी से। वो काम नहीं करेगा लेनी। ये जरूर काम करेगा। देखो, तुम उसे मत छुओ। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो दुनिया के खत्म होने से पहले। इस तरह से तंग करने से काम नहीं चलेगा। तो ओके ओके, मैं तंग नहीं कर रहा हूं। सब खराब कर दिया ना। क्या हो रहा है? मुझे इंटरनेट नहीं मिल रहा है।
ठीक है हमें सैटेलाइट से सीधी बात करनी होगी। अच्छी बात है, कैसे? वैसे मेरे पास कुछ गैक है, मुझे उससे कुछ करना होगा। मैं सोच रहा था तुम कहोगी मेरे पास पावर नहीं है। हम उसे यहाँ ला सकते हैं तो। आप चलो लेके आते, जल्दी आना। अब हमारे पास सिर्फ थोड़ा ही समय बचा है, वो लोग आके अटैक करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग कहीं जा नहीं रहे। हम नहीं जा रहे? नहीं, हम लोग अपने नए दोस्त से हेलो करेंगे। ओके, तुम लोग यहीं रुको, अगर तुम लोगों ने कुछ देखा तो हमें कॉन्टेक्ट करना रेडियो पे। ओह, एक मिनट रुको। उसमें कुछ बचा है क्या? नहीं। ठीक है, तुम यहीं रुको। कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। कितना मजबूत है। कोई कॉकपिट नहीं, कोई पायलट नहीं, कोई एलियन नहीं। वो ड्रोन्स हैं। रिमोट कंट्रोल के साथ? इसलिए ये इमेटर इतना अच्छा काम कर रहा था। ये डिस्टर्ब कर रहा था मदरशिप को, उन्होंने बंद कर दिया है। अगर हम मदरशिप को बंद कर दें तो बाकी सारे छोटे शिप्स बंद हो जाएंगे और हमला नहीं होगा। वो क्या है? हम यहाँ नहीं रह सकते, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे पास मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे क्या? खुश हूँ तुम मेरे साथ हो। मैं भी खुश हूँ। इसकी जरूरत नहीं। ये तो ठंडा है। ये पावर सोर्स है। इसी के जरिए पावर मिल रही थी ड्रोन्स को। कल्पित, वो ठीक हमारे सर पर है। वो बहुत सारे हैं और इसमें चार्ज भी बहुत कम है। तो मुझे एक आइडिया है। हम एक छोटी सी एलियंस को ट्रेस करते हुए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और सैम? यस सर। क्या एक और टीम बनाए हमले के लिए? हम रिसोर्सेज पे समय बर्बाद नहीं कर सकते। सर, हम खाली भी तो नहीं बैठ सकते। क्या हम प्रेसिडेंट से डायरेक्ट? मैं समझ सकता हूँ कि रिस्क है।
सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। सुनो तो सही मेरी बात, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। हम लोग को साथ में आने के लिए, सुनो मेरी बात, पूरे अमेरिका पे अटैक हुआ पड़ा है, वो भी 4th of July को। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं भागते भागते परेशान हो गया हूँ, और मैं जानता हूँ इसे कैसे बंद करना है, और तुम इसे फिक्स करोगी। फिक्स? हाँ फिक्स। अंकल पीट, क्या हम बच जाएंगे बताओ ना। अच्छा सुनो, हम लोग एक ट्रोजन हॉर्स बनाने वाले हैं, उसके बाद उस एमिटर और पावर कोर से उस मदरशिप को उड़ा देंगे। तो मदरशिप को? हाँ। वो भी स्पेस में? तुम्हारा प्लान क्या है करने का? हम कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो करना है। The salvage drones? सही कहा। सुनो मेरी बात, हमारे पास पावर कोर है, और इसके लिए वो हमारे पीछे आएंगे, हम उसे वापस करेंगे एमिटर के साथ सीधा मदरशिप तक। मुझे इसे बनाने के लिए कई महीने लग गए थे, और अब तुम कह रहे हो कि इसे तुरंत फिक्स कर दूं मैं? उसके लिए बहुत सी चीजें चाहिए। वैसे मैं जानता हूँ तुम जीनियस हो। ठीक है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। Okay, एक ही बार में एक ही कारनामा, समझे? मुझे वो दिन याद है जब तुम्हारे डैड ने ये घड़ी दी थी। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? तुमने कर दिखाया। उन दिनों तुम्हारे डैडी सेनेट के चुनाव में लगे हुए थे, और तुम मेरे पास रहते थे। मेरा काम था कि तुम्हें सुरक्षित रखना। अंकल पीट आगे बोलिए। फिर एक एक्सीडेंट हुआ। तुम मेरी वजह से मरने वाले थे। कहने का मतलब है कि तुम मेरी वजह से डाउन हो गए, या फिर मैं डाउन हो गया, कुछ पता नहीं। उसके बाद माहौल एक सा नहीं रहा। तुमने मेरी जान कई बार बचाई है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं जानता हूं आपको। वहां देखो, तुमने देखा? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? थैंक यू मेरे बेटे को सही सलामत रखने के लिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे हम लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं, हमारे पास कुछ यंत्र वगैरह है। ठीक कहा, हम इसके द्वारा बचा सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, उसके द्वारा हम उन सब का खात्मा कर सकते हैं। ये मेरा भाई सैम। हाय। हेलो। हेलो। हाय स्वीटी। हाय। ये टोड है, ये लेनी। बड़ी सीलिया, जैसे मैंने कहा था ना, हमारे पास एक प्लान है, इसे फिक्स कर सकती हो। कहना मुश्किल है कि इसको काट पाएगा। मुझे टूल्स चाहिए, सर्किट बोर्ड चाहिए, मुझे ट्रांसिस्टर चाहिए, और कंप्यूटर भी चाहिए। क्या ये काफी है? मैं जाके इमेटर लेकर आती हूँ।
तो यह है मेरा प्लान ओके। इस पावर कोर एमिटर को हम शहर के बाहर डंप कर देते हैं, तब उनके पास कुछ नहीं बचेगा, तब वो हमारे पीछे पीछे आएंगे उस पावर कोर को हासिल करके मदरशिप ले जाने के लिए। क्या कहते हो? ठीक है, अगर ये टॉर्जेंट हाउस का आइडिया काम करता है तो हम ये डिवाइस को मदरशिप तक ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रिगर कैसे करेंगे? वो सिटी इंस्टॉलेशन करना है, हमारे पास ट्रांसमीटर है और अपना पावर सोर्स भी है, अगर एलियंस यहाँ तक नहीं पहुँचे तो ये काम कर सकता है। ओके, मुझसे क्या चाहते हो? ओके, इस ट्रोजन हॉर्स से हमें सिर्फ थोड़ा वक्त मिलेगा और जब वो होगा इस सिग्नल से हम हिट करेंगे, हमारे पास जो भी है दाव पे लगा देंगे। मुझे डाउट है कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ या नहीं। मास्टर पे डाउट मत करो, सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन कब? मास्टर अपने हिसाब से काम करता है। वहाँ ड्रिलिंग करते हुए गैस और एनर्जी बाहर छोड़ रहे हैं, उससे हमारा एटमॉस्फेयर बिगड़ता जा रहा है, देश की ग्रोथ कम हो जाएगी और कुछ ही दिनों में यह प्रदूषित हवा इंसानों तक पहुंच जाएगी। तो हमें उसे दबाने की जरूरत नहीं है, बस वो तो बैठे हुए हमें मरते हुए देखेंगे। ब्रूबेकर ठीक कहता है, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। आखिर कोई समझदारी की बात तो कर रहा मेरे सामने। मदरशिप पर अटैक करने की तैयारी करो। यस सर। तुम ये नहीं कर सकते। पर तुम्हारा सजेशन क्या है? तुम करो। यस सर। तुम्हारा कहने का मतलब है कि सिटी में स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं जिससे कि तुम्हारा काम हो सके? सब ठीक हो गया। हे, बहुत बढ़िया। वो क्या है? गुड टू गो। शायद हमने कर दिया। बस थोड़ा और काम बचा है। ICBM लॉन्च के लिए तैयार है। देखो, हमें एक लड़ने का मौका दीजिए। फायर। लॉन्च। यस। क्या हुआ? इसे देखो, बैटरी चल पड़ी, मोबाइल, वायरलेस कम्युनिकेशन सब है। अब मास्टर तैयार है, बस एक स्ट्राइक। वो यहाँ पहुँच गए। ओके ठीक है, सभी बाहर चलो। चलो जल्दी करो, हमें बाहर निकलना है। जल्दी 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 जल्दी, तू भी आओ। ओहो, सीरियसली? ब्रूबेकर मदरशिप पर अटैक कर रहा है। ये ड्रोन्स को पार नहीं कर पाएंगे। चलो चलते हैं, सब लोग चलते हैं। आओ आओ, सब लोग आ जाओ। रुकिए डैड, प्लीज, मैं अंकल पीट के साथ रहूंगा। क्या कहा? मैं लीजा के सिटी में हेल्प करूंगा। नहीं नहीं, मैं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित चाहता हूँ। नहीं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओके। रखो इसे, अंदर रखो और बंद करो। ठीक है लेनी। कम ऑन, जल्दी जल्दी निकलते हैं। चलो तुम उसके साथ जाओ। ठीक है, मैं रास्ते में ब्रूबेकर से कॉन्टेक्ट करूंगा। सुनो, अगर पिछड़ जाता सिटी में मिलेंगे। ठीक है, तुम अपना और एंड्रू का ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। लेनी। क्या है? वो प्रेसिडेंट है। ओके। चल गया कि हम उनके लिए खतरा है।
कितना अच्छा लग रहा है। करते रहो, मैंने कहा फायर करो। फायर करने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब ऑफलाइन हो गया है। ऑनलाइन करो और फायर करो। ये काम नहीं कर रहा है। सेफ नहीं लग रही। तोड़ तोड़, वहां देखो वहां। या ये ठीक है। कहां करूं मैं? आइए सर। कोई मुझे सुन सकता है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? कंट्रोल नहीं हो रहा, बैलेंस। कोई मेरी आवाज तो सुन रहा है? ये काम नहीं कर रहा है। स्पीयर्स, स्पीयर्स, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूक्लियर लॉन्च की तैयारी करो। बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मिसाइल फूट गए हैं। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हार गए। बहुत देर हो चुकी है, हम पर हमला हो गया है। यस कहाँ है? जाओ। Oh!
हमने स्पीयर्स को खो दिया। अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है? बस अब पहले यहां से निकलना है और कोई जगह ढूंढना रहने के लिए और दूसरों को बचाएंगे। लेकिन मिसाइल्स का क्या होगा? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है लॉन्च करने के लिए। क्या कह रहे हो, संभालो अपने आप को। तुमने ये शहर छोड़ा अपने देश की रक्षा करने के लिए। इस देश के लोग तुम पे भरोसा करते हैं कि तुम क्या फैसला लेते हो। तुम्हें कुछ पता है? नहीं। अब मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, छोड़ने नहीं दूंगा। इस देश की रक्षा करो और अपना धर्म पूरी तरह निभाओ। तुम हमेशा मेरी खबर लेते हो। हाँ, आज भी यही करूंगा। रुकिए, पहले ये बताइए कि हम ये मिसाइल कैसे लॉन्च करेंगे। मैं समझता हूँ कि उससे मदद हो सकती है। हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि चलती हुई कार से सिग्नल मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ करता हूं। मास्टर के लिए भी बहुत मुश्किल है। तुम्हें ही चाहिए। ठीक है, हम लोग ट्रोजन हॉर्स को संभालेंगे, तुम मिसाइल्स को छोड़ो। राइट? ओके। हे, संभल के रहना। आप भी। अच्छा दोस्तों, काम कहां तक पहुंचा? वो सेंट्रल कमांड लाइन सारी डाउन हो गई है, इसीलिए हम लोग इंडिविजुअल सेलोस ढूंढ रहे हैं जो सब नेटवर्क में नहीं होता। बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हैकर्स ICBM लॉन्च करें, जो हम करने की सोच रहे हैं इस वक्त। उसके लिए भी लोग हैं, तुम्हें पता है। मैं उनमें से किसी से बात कर सकता हूँ, वो हमारे लिए जरूर काम करेंगे। गुड गुड, मैं करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। तो सब बंद पड़ा है। मैं कुछ करता हूं। नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। रुको, खुल गया ना। वाओ, ओके, ठीक है। देखो, काम करते हैं। सर, जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं? मेजर एडिसन प्रेस्टन। मेजर प्रेस्टन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट। आपको मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ने होंगे। तैयार करो ऑथेंटिकेशन कोड्स को। यहाँ। यप। ओके। मदद करो मेरी। तुम जानती हो ये क्या कर रही हो? मुझे लगता है काम हो जाएगा। हो जाएगा? तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? हैवी लीक, याद करो। वो तुम्हारे डैडी हैं। सेम यहाँ भी। ओ
सब ठीक है सर? सक्सेस के चांसेस मुझे पता है कम है, मुझे शायद ये मुश्किल लगे, शायद इम्पॉसिबल भी, लेकिन हमने हमेशा मुसीबतों का सामना किया है, इसीलिए हम हैं, इसीलिए हमें अमेरिकन कहा जाता है। हम हिम्मत नहीं हारते, हमने कभी हार नहीं मानी, हमेशा हम जीतते हैं, और इस बार भी, और आज 4 जुलाई को हम जीत के दिखाएंगे। यस सर। अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ओके, डिस्क पोजीशन में आ गई है। ठीक है सर, तो शुरू करो। डेल्टा 4 1 3। टारगेट और कोऑर्डिनेट एंटर हो गए हैं सर। शाबाश मेरे सिपाही। तोड़, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। क्या था? कुछ ना, तुम लोगों ने कुछ ना, बड़े बेकार लोग हैं। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? हमें इसे लॉन्च करना है। ओके सुनो, जैसे ही पावर आ जाए तुम लोग सिग्नल देना, समझ गए ना? क्या मेरा मतलब? सिग्नल भेजना। तुम जा कर रहे हो? पसंद का 4th of July बारबेक्यू।
उन्होंने कर दिखाया। मिस्टर प्रेसिडेंट, हैप्पी 4th। कैसे लगे ये बमर फटाके? हैप्पी 4th ऑफ जुलाई अंकल पीट। हैप्पी 4th मेरे बच्चे।